Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. मुंबई की तो अपनी ही शान है और एक अलग पहचान है। इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को कौन नहीं जानता। इनकी एक ही झलक से पता चल जाता है कि हम मुंबई में हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब ना तो यहाँ मॉन्यूमेंट्स थे और ना ही लैंडमार्क्स। क्या आपको पता है कि मुंबई के बॉम्बे बनने से पहले ये शहर कैसा था? ये 7 आइलैंड्स का एक गुच्छा था जहाँ हर तरफ बस चावल के खेत, नारियल के पेड़ और मछुआरों की बस्तियां थीं। आज तो ये इमेजिन भी करना नामुमकिन है। और वही मुंबई है जिसे मैं आज ढूंढने निकला हूँ, सिर्फ उसके इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि अपनी खोई हुई रेसिपीज के कुछ और पन्नों को भरने। मुंबई की सबसे पुरानी कम्युनिटीज में से एक है द ईस्ट इंडियन कम्युनिटी। बदलते दौर में काफी कम लोग ये बात से वाकिफ हैं कि ईस्ट इंडियन कम्युनिटी मुंबई के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं और उससे भी कम लोग इनके खाने के बारे में जानते दालचीनी, मिर्च, इलायची, धनिया, जीरा। कहते हैं कि इस मसाले में 40 से भी ज्यादा सामग्री या मसाले डलते हैं और ये है ईस्ट इंडियन समुदाय का सबसे मशहूर मसाला बॉटल मसाला। ये 400 साल में भी इसी तरह बिल्कुल नहीं बदला है। 400 साल से ये एक हमाम दस्ते में मसालों को धूप में सुखाकर कूट कर बनाया जाता है और फिर कूटने के बाद इसे बॉटल में भरा जाता है और इसीलिए इस मसाले का नाम बॉटल मसाला बना। लेकिन अगर ये जो मसाला है 400 साल में नहीं गुमा है, कुछ ऐसी रेसिपी जरूर है जो 400 साल पहले खो चुकी हैं और उन्हें ढूंढ निकालना आज मेरा मकसद है। ईस्ट इंडियन हिस्ट्री और उसके क्विजीन काफी लॉस्ट हो गए हैं। नॉट टू मेनी पीपल नो अबाउट द ट्रेडिशंस एंड द एंसेस्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडियन। लगभग 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट के एक अपोस्टल सेंट बार्थोलोम्यू आए थे। उसने कोंकण और मुंबई में काफ़ी प्रीचिंग किए थे और काफ़ी लोगों को कन्वर्ट किए थे। यही लोग ईस्ट इंडियंस के पहले फोरफादर्स थे। 1500 साल के बाद 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज आए थे। जब पोर्चुगीज आए थे उन्हें काफ़ी लोगों को कन्वर्ट किए थे। वो लोग थे फार्मर्स, टॉडी टैपर्स, फिशर फोक और ये लोग बॉम्बे की ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे। सेवनटीन सेंचुरी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हुए थे बॉम्बे में, जब एक पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन डे ब्रागंजा के शादी हुए थे British monarch के साथ, and Bombay was given away as a dowry to the British for a pittance. जब ब्रिटिश आए थे उनके सबसे बड़े कॉरपोरेशन ईस्ट इंडिया कंपनी उनके हेडक्वार्टर सेटअप किए थे और काफ़ी काम और एंटरप्राइजेस चालू किए थे. द लोकल्स एट द टाइम wanted to stay loyal to the British, and so they took on the name the East Indians from the East India Company, and also to differentiate themselves from the Goans Christians who wanted to stay loyal to the Portuguese. And this is how the community came to be called the East Indians. ये जाहिर सी बात है कि वक्त ने बॉम्बे के इन ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स की लाइफस्टाइल बदल दी है, लेकिन बॉम्बे के बाहर ऐसी कुछ खास जगहें हैं जहां ईस्ट इंडियन गाउथन्स, मतलब कि गांव काफी हद तक वैसे ही हैं जैसे वो 200 या 300 साल पहले पूरे बॉम्बे में होते थे. आज मेरी लॉस्ट रेसिपीज की खोज मुझे ले आई है मनोरी और गोराई. मुंबई का एक ऐसा हिस्सा जो मुंबई बिल्कुल भी नहीं लगता. खाली सड़कें, हरियाली और इस हरियाली में यहां वहां बने हुए ये खूबसूरत घर. जिन्हें देखकर लगता है कि अगर उस पास्ट का ये एक झलक है तो पुराना मुंबई कैसा सुंदर रहा होगा. मोरायस आंटी आज इतिहास को दोबारा जिंदा कर रही हैं. वो हमें पुराने काल की डिजर्ट और उसमें लगने वाली टेक्निक बताने वाली हैं, जो अब लोग भूल चुके हैं. आदित्य, आना हम बताता है क्या पकाता है. वाह आंटी, बिल्कुल ताजा दूध तो अभी निकाला. हाँ, हाँ. आपका फ्रेश मिल्क तो आ गया, बट मेरे को अब ये बताओ हम आज कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं? आज हम लेत्री बना रहे हैं, ईस्ट इंडियन का स्पेशल डिश. लेत्री उसको जैगरी और ये डालता है, लेकिन हम लोग आज करेंगे लेत्री का पुडिंग बनाएंगे. लेत्री का पुडिंग बनाएंगे. ओके, मैंने तो कभी लेत्री के बारे में सुना नहीं है. देखते हैं ये लेत्री का पुडिंग कैसे बनता है. बनाएं? पहला पानी एक यूटेंसिल में डालकर बॉईल करने का. मजेदार बात तो ये है कि मतलब जो सारे एंशिएंट और पुराने किचन्स होते हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है, वो है आग का चूल्हा. हाँ. और यहाँ पर इनफैक्ट बर्तन भी काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग. क्ले का ज्यादा बर्तन था. आप क्ले ज्यादा यूज करते थे पहले? क्ले. ओके. जैसे ये घड़ा. हाँ, घड़ा. ओके. अब क्या चाहिए? मोरायस आंटी गुड लक के लिए हमेशा अपने खाने में सबसे पहले नमक डालती. ये ले नमक. अभी चावल का आटा देना. राइस फ्लावर, चावल का आटा. फुली मिक्स. नाउ यू हैव टू पुट इट डाउन. ओके आंटी. तो आंटी अब से मतलब 2000 साल या 1500 साल पहले या 500 साल पहले भी मैंने सुना है कि यहाँ पे सिर्फ पैडी फील्ड ही था. तो व्हीट नहीं कभी खाने का. ईस्ट इंडियन कम्युनिटी में राइस बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे ये भी जो स्वीट है इसको भी हम राइस फ्लावर से ही बनाएंगे. तो राइस इज द स्टेपल जैसे बोलते हैं आपके क्विजीन का. ये लीजिए. और ये टेक योर शर्ट. नो. स्टाइल पे। ईस्ट इंडियन स्टाइल का चटका हमेशा के लिए याद रहेगा। हमेशा के लिए याद रहेगा आंटी, बिल्कुल याद रहेगा। अभी इसमें पानी डालने का। तो आंटी ये जो है लेत्री आप इतनी एक्सपर्टी बना रहे हो, ये आपने कहाँ से सीखा होगा? रेसिपी बुक्स नहीं था, from mother to daughter passed down generational to generation, generation to generation. So aunty ये तैयार हो गया? अभी तैयार हुआ। अभी पहला पानी लेना, हाँ। तपेले में, हाँ। आधा तपेला लेना, okay। और वो अंगा जरा अच्छे से जलाना, yes, वो पानी को उबाल आना मांगता है। ये क्या है वैसे? घोड़ा है। घोड़ा है? बैठने का घोड़ा नहीं, पकाने का। मैंने कभी देखा नहीं है ये। नहीं, अंदर के बाजू में उसको बुराक है। इसके अंदर हम ये डालेंगे और फिर इसको हम प्रेस आउट करेंगे, तो एक तरह से एक सेव बनेगा। आप क्या कर रहे हो उसमें? अभी ऐसा करेंगे और छोटा छोटा बॉल बनाएंगा। हाँ, ऐसा करके। ऐसा क्यों? क्यों अंदर भी जाएगा पानी और जल्दी पक जाएगा। हाँ, ओके। For your hand, you should have big one. Yeah, but I'm first time, so I'm making baby one. Okay. Mine. Yeah. Okay. See if the water is boiling. Fully boiling. Yeah. Fully boiling. I'll put inside. हर ईस्ट इंडियन घर में ये घोड़ा होगा? नहीं, एक दूसरे का बोरो करते हैं। अगर मैंने तुम्हारे घर से लाया है ना, तो वो खाली नहीं देना सकता है, उसमें थोड़ा लेत्री डालकर वापस करना पड़ता है। आया आया ऊपर आया। हाँ आंटी, मैं पकड़ता हूँ आप प्रेस करो, कि मैं प्रेस करता हूँ आप पकड़ो? हाँ, मैं पकड़ेगा। What you're talking man? इतना बड़ा नहीं, छोटा। ये लिया था वो करेक्ट था। आज तक मुझे इतनी डांट कभी नहीं पड़ी है रेसिपी में। अच्छा अच्छा, ऐसा लेंगे क्या नीचे ड्रिप नहीं होगा। देखिए ये जो है हमारा जो आटा है अभी अच्छी तरह से पक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे घोड़े में डाल के इसको हम लेत्री बनाएंगे। हाँ, वाह जादू है, जादू। चावल के आटे से लेत्री बनाने की वजह से मिक्सचर चूई और स्टिकी नहीं होता। वाह, ओके आंटी, डन हो गया। अभी स्क्रैप्ड नरियल डालने का और स्क्रैप जैगरी डालने का, जो पोर्चुगीज आया और हमको सिखाया। इसके अलावा और कुछ भी बनाया, तो उन लोग ने हमको पुडिंग बनाना सिखाया। तो ये एक बड़ा ही, जिसे बोलते हैं, प्राचीन ईस्ट इंडियन एंड पोर्चुगीज कल्चर और उनके टेक्निक का एक मेल है। देखते हैं इसकी पुडिंग कैसे बनती है। मिल्क को पहला बॉईल करना, तो 1.5 कप दूध। तो आंटी इसमें कुछ को फ्लेवर करना है, कुछ डालना चाहिए इसमें? दालचीनी डालना। Cinnamon is another important ingredient, and before it was used in food, it was used to make perfume. It was the Portuguese that first brought cinnamon to Bombay from Sri Lanka. It was the East Indians that then took this ingredient and used it extensively in all of their dishes. तो आंटी मिल्क ये अब उबल चुका है हाँ हाँ और दालचीनी का फ्लेवर भी इसमें अच्छी तरह से आ गया है, खुशबू भी अच्छी से आ गई है। ओके अब हम इसमें वो लेत्री डालें। हाँ भी लेत्री डालना। तो अपने उबले हुए दूध में हमने 250 ग्राम तो ये डाला ही होगा और अब इसको हम इसमें पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, जो दूध है वो गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो गया आंटी, ये एकदम गाढ़ा हो गया है। ठीक हो गया ये? ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी नीचे डालने का थोड़ा। ओके तो बटर और चीनी मिक्स करने का। पुडिंग लेत्रिया एक लॉस्ट रेसिपी है और एक काफी स्पेशल और इंटरेस्टिंग रेसिपी है। इसमें तीनों इन्फ्लुएंसेस हैं, जिसमें एग्स और शक्कर पोर्चुगीज है और एक पुडिंग का कॉन्सेप्ट है, एक इज वेरी वेरी ब्रिटिश और महाराष्ट्रियन इन्फ्लुएंस है। वो राइस डो जो सेवा ये बनाते हैं वो एकदम लोकल है। ओके आंटी ये तो हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बनेगा कैसे, इसको पकाएंगे किसमें? अवन में पकाएगा। वो अवन? दैट्स एन अवन। भाई जैसे बोलते हैं खोई हुई टेक्निक और मुझे लगता है बिल्कुल ही एंशिएंट अवन, ये ट्रेडिशनल पुराना। सच में मतलब उस टाइम पे चले गए जहाँ पे मॉडर्न चीजें नहीं होती थी, अवन नहीं होते थे, सब इसमें बनता था। हाँ ऐसे अवन्स में। वाओ तो इसको इस पे डाल दूं डायरेक्टली? हाँ डालना, लेकिन धुआं मत होना दे और बिगर अंगार से क्या वो गर्म होगा तो फिर और लकड़ी डालना। वाह अभी अभी उसको जलाना मांगता है ना। तो आंटी फाइनली आग अब अच्छी तरह से जल रही है। जब तक ये गर्म होगा आंटी हम अपना मिक्स कर बनाए ये लेत्री और अब मलाई। तुम मिक्स करते हैं या हम मिक्स करते हैं? आपका हाथ लगेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मेरा हाथ लगेगा और अच्छा नहीं बनेगा तो आप मेरे को फिर हो सकता है एक बार और कुछ डांट सकते भी है। अरे मेरी उम्र को जरा ख्याल रखना मांगता है ना। हाँ बिल्कुल, हम बूढ़े हो गए हैं। अभी डाल देना। म्यूजिक मांगता है क्या? म्यूजिक म्यूजिक मांगता है। अभी क्रीम डालो। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है आंटी। ठीक है कि नहीं तो ऐसा देखना मांगता है। हाँ तो ऐसा इसको जिसे बोलते हैं गाढ़ा होना चाहिए, लेकिन अच्छी तरह से इसको गिरना चाहिए स्मूथ। ठीक है जी और अब हम इसको इस बहुत ही प्यारे अवन में बेक करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि अवन गर्म हुआ कि नहीं। हाँ अभी पूरा अच्छे से हुआ है गर्म और पुडिंग को भी सेक लगेगा। अच्छा और ये मैंने देखा इसके अंदर ये वो तो गर्म है मिट्टी। हाँ क्यों डालते हैं? क्योंकि अवन को इवन हीट मिलेगा। इवन हीट मिलेगा हाँ। और ये मिट्टी नहीं डालेंगे तो ये टूट जाएगा। टूट जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी अवन गर्म हो रहा है। ओके आंटी मैं पकड़ता हूँ इसको, आप डालिए। नाउ दिस हैज टू गो इनसाइड दैट। कितनी देर? 15 मिनट तो लगे। 15 मिनट। वाकई में एक अद्भुत और एक बहुत ही प्राचीन और खोई हुई रेसिपी। इसे बनाने में जितनी हमें मेहनत लगी है, जितना हमने इसमें प्यार डाला है और जितनी मुझे डांट पड़ी है वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। बुरा लगा क्या? नहीं आंटी और आंटी यार बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट बेकिंग का टेक्निक इंडिया में पोर्चुगीज ने लाए थे और उस जमाने में ये बेकिंग एक फॉर्मा के अंदर होते थे। Now, what was a forma? It was a simple closed utensil which had a lid to it, which on heating was quickly opened, your cake or your dessert was placed inside, quickly closed and baked. Forma is definitely a predecessor to today's modern day ovens. इसका नाम क्या है वैसे? पुराना नाम? पुदीन ला लेत्री। पुदीन ला लेत्री। वाकई में ही एक अनोखी रेसिपी। अनोखी। ज़बान पे डालते ही ये एक तरह से घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है मुंह में। इतनी अनोखे फ्लेवर के साथ, इतना अनोखा इसका लाइटनेस है, इसका जो टेक्सचर है, और जिस तरह से हमने इसको ये ट्रेडिशनल अवन में बनाया है, वो जो लक्कड़ का जो अरोमा है, जो खुशबू है, वो भी इसमें बढ़िया तरह से आ चुका है। वाकई पुराने ज़मानों की जो ये रेसिपीज़ थी, जो आज खो चुकी हैं, ये फिर से वापस आनी चाहिए। ना कि ये एक रेसिपी आज हमने खोजी है, बल्कि एक आज हमने हिस्ट्री को बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया है। थैंक यू। हालांकि मुंबई की अर्बनाइजेशन की वजह से सारे गाउथन इतिहास में खो चुके हैं, लेकिन आज भी बांद्रा में ईस्ट इंडियन कम्युनिटी काफी हद तक मौजूद है। थोड़ी बहुत फैमिलीज तो अब भी अपने सुंदर पुराने घरों में रहती हैं, और आज मैं उन्हीं में से एक फैमिली के पास जा रहा हूँ। बांद्रा का ये घर करजाई फैमिली का है। आज इस खूबसूरत मैंशन में उनके परिवार की बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं, और ये घर लगभग 100 साल पुराना है। मुझे नहीं लगता कि मैं ईस्ट इंडियन कम्युनिटी की लॉस्ट रेसिपीज के बारे में जानने के लिए इससे बेहतर जगह ढूंढ पाता, और आज आयरिस आंटी मुझे सिखाने वाली है वो स्पेशल रेसिपी जो इस जर्नी में मेरी लॉस्ट ईस्ट इंडियन रेसिपी होगी। Wow. ये क्या रेसिपी है? आप क्या बनाओगे? Today we are going to make kanjee curry. Kanjee curry. Yeah. Kanjee is the rice water that we get after boiling the rice. जी, correct. We don't use any oil in it. जी. It's always made with shellfish and vegetables. आयरिस आंटी ने बताया कि कंजी चावल को उबालने के बाद बचने वाला पानी है। इसमें तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, और ये हमेशा शेलफिश और सब्जियों के साथ बनाया जाता है। कांजी करी एक लॉस्ट रेसिपी है। It used to be an old farmer's breakfast dish. When I was first researching my book, I went to Basin, which is now Vasai, और एक कोली के घर में ये रेसिपी खाए थे कांजी करी, और तभी जब मैं खाए थे एक वंडरफुल फीलिंग थे। Okay, so shall we? Yes. Ji? Now I'll show you. First I have boiled the rice. We've got kanji. Okay. ये जो चावल का पानी है, उबालने के बाद में जो चावल पक गया है, उसको जो आपने स्ट्रेन कर दिया, तो उसमें स्टार्च है थोड़ा सा. It has got the starch of the rice. ठीक है जी. Okay. Okay. Now we will first cut the vegetables. Cut it the right size. East Indian cuisine is an amalgamation of British, Portuguese and Maharashtrian influences. ये broad British influence है, जो chilies जो इसमें जा रहा है वो Portuguese influence, और ये वेजिटेबल्स, लोकल वेजिटेबल्स, फिश, एक महाराष्ट्रन इन्फ्लुएंस है। तो अब हमने ये सारी सब्जियां अच्छी तरह से काट दी हैं और इसके साथ में एक और हमारे पास वेजिटेबल है जो हम इसमें डालेंगे, हां, ड्रमस्टिक। नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस, ओके, वी विल मिक्स द मसाला। दिस इज कोकोनट, रोस्टेड जीरा एंड रोस्टेड chilies, green chilies, they've been ground into a paste. Tikha. Tikha. So we'll समझ आ रही है मुझे ये कैसे बनने वाला है। इनको भी हम यहाँ रख देते हैं। हाँ, okay. झींगा, केकड़ा और squids. थोड़ा सा गर्म हो गया है। Yeah. Now we put in the masala. We drop it in that. Add the coconut milk. Ah. मुझे लगता है ये काफी delicate होगा। Oh. इसका जो flavour है। Yeah, the flavour will be very good. Okay. ठीक है आंटी, तो अभी ये boil होगा। हाँ। आरिश जी। Looks like that's boiling. Yes, it's boiling. Let's proceed with our. Has a nice flavour, nice colour. Okay. बढ़िया खुशबू है। कंजी में स्टार्च होता है और इसलिए उसे रस्से को मोटा करने और ब्रॉथ बनाने के लिए डाला जाता है। Now we add in the squids, okay? सब डालो, सब डालो। तो पहले हमने स्क्विड डाल दिया इसमें, अब हम इसमें झींगा डालेंगे। Now we add the crab. Crab is in. Then we put in the vegetables. आखिर में हमारी हरी मिर्च, नींबू का रस and salt to taste. मजेदार। तो हमारी जो लॉस्ट रेसिपी है, खोई हुई रेसिपी है, वो हमने अब गैस पर चढ़ा दी है और 15 से 20 मिनट तक हम उसे पकने देंगे। उसके बाद हम बॉइल्ड राइस के साथ। आजकल ये ट्रेडिशनल इंडियन ब्रेकफास्ट जो महाराष्ट्र में मिलते थे, ये हम लोग भूल गए क्योंकि हम लोग फास्ट फूड खाने का, तो ये और किसी के पास टाइम नहीं है करी बनाने के लिए और ये ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट के बनाने के लिए टाइम भी नहीं है। अरे मारल सन होली स्पिरिट, आमेन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसके फ्लेवर्स इस प्रकार के होंगे। थोड़ी सी स्पाइसी, थोड़ी सी खट्टी मीठी, जो इसका सी फूड है वो परफेक्टली कुक्ड है और सारा फ्लेवर अंदर चले गया है। हमारे सामने आती है नारियल, थोड़ा सा जो तीखापन है और जो खटास हल्की सी है जो नींबू से आ रही है इसमें, और जो इंग्रेडिएंट्स का मतलब इसमें मिश्रण है वो पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूँ। पम्पकिन काफ़ी मीठा है और ड्रमस्टिक परफेक्टली कुक्ड है और सी फूड सारा फ्लेवर इसने बिल्कुल अपने अंदर निचोड़ लिया है। वाकई में ही एक बहुत ही शानदार डिश बनी है। रियली लवली। जो ईस्ट इंडियन फिशर फोक है, मुंबई के जो पहले के इनहेबिटेंट्स हैं, ओरिजिनल यहाँ के रहने वाले लोगों की आज एक करी है और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आज हम कनेक्ट हो गए इस कल्चर के साथ। ईस्ट इंडियंस लव टू सेलिब्रेट एंड ओकेजंस गो ऑन फॉर 10 to 12 डेज ऑन एंड एंड अ डिजर्ट और अ स्वीट इज देयर इन एवरी ओकेजन, बट जस्ट लाइक द डिजर्ट देयर इज वन मोर डिश और शायद से बेवरेज and that's the कीमात. ये जो कीमात है एक इंटरेस्टिंग बेवरेज है और ऑलमोस्ट लॉस्ट रेसिपी है और आजकल बहुत कम दिखते हैं. कीमात में पहले थोड़ी सी चीनी कैरामलाइज करते हैं, फिर लिकर डालते हैं. लिकर जब बॉईल हो जाए गरम मसाले जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची और चाय का पाउडर डाल के कुछ देर के लिए उसे पकाते हैं. जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसको स्ट्रेन करके छावनी में सर्व करते हैं. छावनी छोटे छोटे शॉट ग्लासेस के जैसे होते हैं. इतने साल मुंबई में रहने के बावजूद मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि यहाँ कभी ऐसी कम्युनिटी रहती भी थी. मुंबई की ईस्ट इंडियन कम्युनिटी ने अपने दिलचस्प इतिहास और लॉस्ट रेसिपी से मेरा दिल जीत लिया है और अब ऐसी ही एक और लॉस्ट रेसिपी के बारे में जानने का वक्त आ गया है जिसका नाम है भुजी. इसे भुजलेली वागटी अनि भुजलेला चिंबोरा भी कहते हैं और इसके बारे में मुझे बताएंगी शीला आंटी और उनकी बेटी स्वित्सी जो मनोरी से कुछ ही दूर गोराई के गाउथन में रहती हैं. ऐसे ढोसका मदन बस हाँ हाँ बस बस, बस. हाँ एक और एक हेलो हाय हाय हेलो आदित्य नाइस टू मीट यू नाइस टू मीट यू. आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? इतने बिजी हो आप. हम लोग की ये मच्छी है हाँ ये रोस्ट करने वाले हैं. मैंने सुना है कि ये जो रेसिपी है एक लॉस्ट रेसिपी है, मतलब आजकल नहीं बनती है ये, तो इसका नाम क्या है? ईस्ट इंडियन में हम हाँ. भुजलेला चिंबोरा भुजलेली वागटी. एक्चुअली आजकल क्या होता है लोग इतने बिजी हो गए हैं कि चूल्हा जलाने का किसी को टाइम भी नहीं है और जगह भी नहीं है. जो चाहिए वो मच्छी लेके आते हैं हाँ. माइक्रोवेव में पकाते हैं नहीं तो गैस पे. लेकिन माइक्रोवेव में ये बात नहीं होगी जो लकड़ के आग पे होगी. मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है. जी बहुत ही स्पेशल होने वाली है. चलिए तो क्या बनाने वाले हैं? हम चावल की रोटी बना रहे हैं. ओके और उसके बाद में ये रोस्ट करके चावल की रोटी के साथ में खाने का. और ये कौन सी मछली है? इसे हम ईस्ट इंडियन में वागटी बोलते हैं. वागटी वागटी और इसके साथ में केकड़ा केकड़ा. ओके चलिए जी शुरू करते हैं. तो आप आराम से बैठिए और ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी का आनंद लीजिए. अरे वाह ठीक है मैं बैठ जाता हूँ. पहले आप क्या कर रहे हैं? अभी ये थोड़ा पानी उबाल रही हूँ. हाँ जी. इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार. तो आदित्य देखिए ये जो है ये चावल का आटा है. करेक्ट. तो अभी ये मम्मी उसमें डालने वाली है. अभी हमारी खोई रेडी हो गई है. ओके खोई मतलब इसका जो मिक्सचर है हाँ. राइस फ्लावर और पानी का ओके इसे हम ईस्ट इंडियन में खोई कहते हैं और इस खोई से अभी हम हैंड ब्रेड मतलब रोटी बनाने वाले हैं. ये जो खोई है हाँ? ये जब भी गर्म रहती है तभी इसका डो बनाना पड़ता है. ठंडा हो गया तो बिल्कुल नहीं बन सकता. हाथ बहुत दुखते हैं हाँ, करेक्ट और बहुत ही टाइट हो जाता है. अभी इसकी रोटियां बनाएंगे. ओके तो ये जो टेक्निक है ये बहुत जिसे बोल रहे हैं एक्सपर्ट. गॉड लुक एट दैट. ये क्या हो गया? ये आपके कौन कैसे बनाया इसको? I have to study it. You have to. इसका ऐसा शेप बनाना जरूरी है मतलब वो ठीक से राउंड हो जाता है. अच्छा हाँ. नहीं तो फ्लैट करेंगे तो क्रैक्स हो जाता है। जब मम्मी मुझे सिखा रही थी पहले तो मुझे लगता था ये वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। मुझे एक्चुअली लग रहा है ये फ्रैंकली इसे देख के मुझे एक्चुअली लग रहा है कि वर्ल्ड की ये सबसे मुश्किल टेक्निक है। इतना परफेक्ट, मतलब ये लगता नहीं है कि आपने इसको हाथ से बनाया। फ्रैंकली बिल्कुल ब्यूटीफुल, लाइट, ऑलरेडी स्पंजी। तो इसको हम पकाएंगे तब ये सॉफ्ट ही रहेगा, इस तरह सॉफ्ट ही रहेगा। ओके, तो ये एक हो गया। अभी आप और बनाएंगे तो हम रोस्ट कर सकते हैं ना। अभी मम्मी जो है कंटिन्यू करेंगी और हम पकाएंगे इस पे। ये भी एक ट्रेडिशनल तवा लग रहा है, तवा। इसको हम ईस्ट इंडियन में खापरी कहते हैं, खापरी। और इसका फ्लेवर अलग आता है बिल्कुल, क्योंकि ये क्ले का बना हुआ है जी। रोटी जलती नहीं है क्योंकि ज्यादा गर्म नहीं होता है जी, और इवन मेटल के जैसा गर्म नहीं होता है जी। हीट भी इसकी इवन होगी। इसे अपसाइड डाउन, उल्टा डालना पड़ता है पहले। काफ़ी मतलब अद्भुत एक फैक्ट है कि मतलब दोनों जो रोटियां हैं इस एरिया की, एक भाकरी और ये हैंड ब्रेड जो है ईस्ट इंडियन, दोनों ही चावल के आटे के बनते हैं, लेकिन एक में जो आटा है वो पहले पकता है और इससे वो थोड़ा नरम निकलता है, राइट? और एक में वो कच्चे आटे का इस्तेमाल करते हैं भाकरी में, उससे वो काफ़ी कड़क रोटी बनती है। और कच्चे आटे की रोटी जल्दी खराब होती है। आपको पता है हमारे गोराई में जो फिशर फोक है वो कई दिनों तक बोट में जाते हैं फिशिंग के लिए। करेक्ट। तो उनके घरों में 30 नहीं तो 40 रोटियां एक टाइम पे बनाते हैं और उनकी साइज ये नहीं रहती है, उनकी साइज इतनी बड़ी रहती है, इतनी बड़ी रोटी, कोली स्टाइल। कोली स्टाइल। अच्छा। दिस डिश इज यूनिक बिकॉज इट इज कुक्ड ट्वाइस ओवर। फर्स्ट द डो इज स्टीम्ड एंड देन इट इज रोल्ड and cooked on a griddle. Our ancestors must have been very clever in coming up with this method. For not only does it half cook the dough, but it doesn't break up when you're rolling it out, and it's easier when it's being cooked on the griddle. आज के ज़माने में हम इसे हैंड ब्रेड कहते हैं, लेकिन traditionally इस रोटी को आप बुलाया जाता है। अब वक्त आ गया हमारे खोई हुई रेसिपी को बनाने का, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जी जी। और हमारे रोस्ट आप क्या कहते हैं? वाक्टी। वाक्टी, रिबन फिश। और इसे कहते हैं चिंबोरा। चिंबोरा, चिंबोरा एंड वाक्टी। इसे हम रोस्ट करेंगे बनाना लीफ में, हाँ, सी सॉल्ट के साथ। The banana is indigenous to India and as a plant it is widely available across the country. Its leaves withstand the high temperatures of coal and it also adds a lot of flavor to whatever is being cooked or wrapped in it. बनाना लीफ पे भी ऐसा नमक डाल के रखेंगे ना और उसके ऊपर ही ऐसे छोड़ेंगे तो वो नमक उसमें ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब होता है। मैंने पहले कभी ऐसे मच्छी को पकते हुए नहीं देखा होगा। Bhujing is an ancient dish and an ancient and lost recipe. Its technique is probably as old as the hills. The word bhujing is derived from the Marathi word bhujlela, which means cooking or roasting over an open fire. आदित्य, अभी ये वाक्टी तो अच्छी तरह से पक गया है। अभी इसी मेथड से हम क्रैब भी पका सकते हैं। परफेक्ट। इतना सिंपल तरीका पकाने का। बहुत ही सिंपल। बहुत ही सिंपल। इससे आप जो ये वाक्टी है इसका नेचुरल जो फ्लेवर है इसका आप मजा ले सकते हैं। मजा ले सकते हैं। वाव, एलिमेंटल। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कम्युनिटी के बाहर शायद कोई नहीं होगा जिसने ये टाइप का क्रैब बनते हुए देखा है। Bhujing is a creation which has stood the test of time. It's probably about 3,000 to 4,000 years old. This recipe is one which has no foreign influences and is a pure Indian recipe. It's a delicious one, simple, easy. It's a recipe of farmers and hunters who had very little resources at hand and created something wonderful using just coal or fire and banana leaves and turmeric leaves. Already आप देख सकते हैं वो crab पकना चालू हो गया। हाँ। आदित्य जी, ये हमारा चिंबोरा भी पक गया है लगता है। बिल्कुल पक चुका है। वाह वाह। तो अभी हम प्लेट में निकालेंगे। बिल्कुल जी। वो वाकटी के साइड में। चिंबोरा और वाकटी। भुजलेली वाकटी। भुजलेला चिंबोरा। भुजलेला चिंबोरा। क्या करें इसको खोल के? खोल के रोटी के साथ में क्या रखिए? रोटीज। रोटीज। हाँ। और ये रही हमारी खोई हुई रेसिपी। मच्छी परफेक्टली कुक हो चुकी है और इसका जो फ्लेवर है वो हल्का सा मीठा है, जो सी सॉल्ट है वो उसे परफेक्टली बैलेंस करता है, और जो क्रैब है उसका मीट बिल्कुल मीठा है, स्मोकी है, और इस रोटी के साथ में ये कॉम्बिनेशन एब्सोल्युटली परफेक्ट। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आप लोगों को मिलके भी और आप लोगों के साथ में इस तरह से बैठकर इस ट्रेडिशन को और थोड़े से कल्चर को एंजॉय करने का। लास्ट क्रैब आप एंजॉय कर सकते हैं। आप एंजॉय कर सकते हैं।